नशे की लत अक्सर बड़ी बड़ी जिंदगियों को तबाह कर देती है। इसकी लत अगर लग जाए तो इंसान को बर्बाद करती ही है। बॉलीवुड में कई सितारे आए और चले गए। इनमें कई सितारों ने अपना जलवा बरकरार रखा तो कई शराब ड्रग्स की वजह से फिल्मी जिंदगी से अलग हो गए। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां एक वक्त पर इंसान बुलंदी के चरम पर हो सकता है तो अगले ही पल वो अर्श से फर्श पर आ सकता है। तो जानिए ऐसे कौन से सितारे हैं जिन्होंने नशे के चलते अपने करियर के साथ साथ जिंदगी को बर्बाद कर लिया। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान अपने जमान के सबसे स्मार्ट और हैंडसम एक्टर हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे नशे की लत में पड़ गए, जिसके बाद वो एक बार तो कोकीन खरीदते हुए धर रह गए। उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो गया और उनके सारे बड़े ताल्लुकात खत्म हो गए। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की तो पूरी दुनिया दीवानी रही है, लेकिन नशे की लत में कपिल ने शो की शान माने जाने वाले सुनील ग्रोवर से कुछ ऐसी बातें कहीं जिनके चलते सुनील ने शो छोड़ दिया और उसके बाद से कपिल का ये शो करियर बेपटरी हो गया। संजय दत्त लगभग 9 साल तक ड्रग्स के चक्कर में फंस गए थे। जब टीना मुन्नीम के साथ उनका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। ड्रग्स लेने के कारण ही उनके करियर में गिरावट शुरू हो गई थी। हनी सिंह, जिनके गानों पर एक वक्त पर पूरी दुनिया झूमा करती थी, कहा जाता है कि वो भी नशे की लत का शिकार हो गए थे और इसी वजह से वो लंबे समय से बॉलीवुड से दूर थे। बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस रही दिव्या भारती ने फिल्म दीवाना में शाहरुख खान के साथ काम किया था। 19 साल की उम्र में ही वे शराब पीने लगी थी। इस नशे की लत ने ही उनकी जान भी ले ली थी। वह अपने घर की छठी मंजिल से गिर गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अपनी मौत के दिन वो काफी नशे में थी। जब मनीषा को इराला अपने करियर के शिखर पर थी, जब नशे ने उन्हें घेर लिया था। 90 के दशक में कई हिट फिल्में देने वाली मनीषा ने शराब के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था, जिससे उनके करियर पर काफी असर पड़ा। बी टाउन के गलियारों में ये खबर जोरों पर है कि सुजैन खान ड्रग्स की आदी हो चुकी थी और इसी वजह से उनके और ऋतिक के बीच में दूरियां आई थी और उन दोनों की जिदंगी अलग हो गई।